हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के पेपर F10 जिसमें आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के बारे में, इसके यूनिट वन को जो है इस वीडियो में देखेंगे। यूनिट वन में जो है आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा के बारे में कि पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणा है वो क्या है, उसका प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, सभी चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो जो है इस यूनिट के जो है इस वीडियो में जो है पॉइंट वन और पॉइंट टू को जो है देखेंगे। तो पॉइंट वन में जो है आपको पढ़ना है प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में, और पॉइंट टू में जो है आपको पढ़ना है उद्देश्य एवं महत्व के बारे में कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, पर्यावरण अध्ययन की क्षेत्र क्या है, पर्यावरण अध्ययन की उद्देश्य और उसका महत्व क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है एक एक कर इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह की प्रश्न जो है नहीं फंसे, सारे प्रश्न को जो है आप अच्छे से और इजी से कर ले। सबसे पहले जो है पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण किसे कहती है। तो जैसे कि मैंने नोट्स में यहाँ लिखा है और आपको पता होगा बचपन से जो है आप पर्यावरण के बारे में जानते आ रहे हैं, तो नोट्स में लिखा हुआ है पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है परि प्लस आवरण इक्वल पर्यावरण, परि शब्द से बना हुआ है प्लस आवरण शब्द को जो है मिलाकर पर्यावरण का निर्माण किया गया है। और पर्यावरण का जो अर्थ होता है एक एक कर जान लेते हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकना। मतलब इस प्रकार जो है हम पर्यावरण को कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर से घेरने वाले जो भी हमारे प्राणी हैं, मनुष्य है, जल है, वायु है, पहाड़ है, पठार है, नदी है, वस्तु है आदि से जो है घिरा हुआ होता है, इसी को जो है हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यही सब चीज़ें जो होती हैं हमारे पर्यावरण का जो है निर्माण करते हैं। तो एक लाइन में अगर कोई पूछता है तो कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ से जो चीज़ें जो है हम लोगों को ढकी होती है वह चीज़ें जो है हमारा पर्यावरण है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो इसी में पॉइंट है, पर्यावरण का तात्पर्य जो है चारों ओर का आवरण या घेराव। मतलब चारों तरफ से जो है घेरने वाली जो भी चीज़ें होती है वो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती है। जैसे मनुष्य, जल, वायु, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि जो होते हैं घिरा होता है, इन सभी मिलाकर जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब जो है जान लेते हैं बहुत सारे विद्वानों ने जो है पर्यावरण के ऊपर जो है अपनी अपनी परिभाषा दी है, एक एक करके जान लेते हैं। तो पहले है सीसी पार्क के अनुसार। सीसी पार्क के अनुसार जो है इन्होंने जो है पर्यावरण के ऊपर यह कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान या विशेष समय पर जिन समूह परिस्थितियों से घिरा होता है, संपूर्ण जो भी परिस्थिति होती है उससे जो घिरा होता है उसी को जो है हम लोग पर्यावरण कहते हैं। मतलब इनके कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य होता है जब एक विशेष स्थान पर जब रहता है या वहाँ निवास करता है, तो जो भी विशेष समय में जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है, जो उसके चारों तरफ आवरण होते हैं, उसी को जो है हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अब जो है आगे जान लेते हैं हॉलैंड एंड डगलस के अनुसार कि इन्होंने जो है पर्यावरण के ऊपर जो है क्या अपनी परिभाषा दी है। तो इन्होंने कहा है कि जीव जगत के प्रभावित के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले समस्त जो बाह्य शक्तियाँ, बाहर वाली शक्तियाँ है, घटनाएँ को जो है पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उसकी सहायता से जो है पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। इनके कहने का अर्थ है कि जो जीवन जगत में जो प्रभावित करने वाले जो भी विकास को, जो परिपक्वता को जो है प्रकृति, व्यवहार, जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, उसी जो है बाह्य शक्ति मतलब बाहर वाली शक्तियों को जो है हम लोग पर्यावरण में शामिल करते हैं और उसी की सहायता से जो है हम लोग पर्यावरण को वर्णन करते हैं। मतलब हमारे आसपास के जो भी वस्तुएं होती है, जो भी चीजें होती है, जो हमें ढके होते हैं पूरी सुरक्षित तौर पर, उसी को जो है हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण जो है काफी महत्वपूर्ण है हमारे भावी जीवन के निर्माण के लिए भी और हमारे जीवन जीने के लिए भी, क्योंकि पर्यावरण के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी जानकारियां जो होती है हमें मिलता है, जिससे जो अपने आने वाले समय को निर्माण कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका उपयोग करके जो है अपने सामाजिक, आर्थिक और जो भी हमारे जो व्यवहारिक ज्ञान है उसे जो है विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जिन्होंने विद्वान हुए उन्होंने जो है पर्यावरण के ऊपर अपना परिभाषा दिया है, रॉस जे एस के अनुसार इन्होंने कहा है कि वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या है? एक बहुत बड़ा शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है बहुत तरह से, चाहे उसके उद्देश्य से हो, उसके प्रकृति से हो, उसके महत्व से हो या उसके क्षेत्र से हो, इस तरह जो है वो प्रभावित करती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देती है और बहुत जो चीज़ें होती है उसके बारे में बताती है तथा जीवन जीने के बारे में भी जो है बताती है।
पर्यावरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो है हम चलते हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा के बारे में कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा क्या है। यह जो है आपका टॉपिक का नाम यूनिट वन का नाम है। इसके बारे में भी जान लेते हैं, पर्यावरण का अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, उसका महत्व क्या है। सब जो है एक ही पॉइंट होगा, सब में आपस में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होगी, बल्कि सब जो है एक ही लाइन कहता हुआ आपको नजर आएगा। तो जैसे कि पहला पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन कोई एक विषय क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण अध्ययन जो है एक विषय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में जो है बहुत सारे विषयों का शामिल होता है, बहुत सारे विषयों का समराइज होता है। उसमें जो है केवल एक विषय नहीं पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे विषयों के बारे में आप जानकारी ग्रहण करेंगे, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, इस तरह से जो है आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए नोट्स में लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि पर्यावरण अध्ययन जो है कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं है, बल्कि विभिन्न विषय क्षेत्र का एक समूह है जो हमारे परिवेश के मुक्त जो है दो प्रकार के घटक है। पहला जो है प्राकृतिक और दूसरा जो है सामाजिक घटक। प्राकृतिक घटक और सामाजिक घटक इसका जो है मेन दो स्वरूप है पर्यावरण अध्ययन के अवधारणा का, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है हम दो चीज़ों के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, प्राकृतिक अध्ययन के बारे में और सामाजिक अध्ययन के बारे में। इसका अध्ययन जो है क्रमश विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो भी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा है उसका विकास या उसका जो वृद्धि होती है वो हम सब जो है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं। और इसका दो प्रमुख घटक है, पहला जो है प्राकृतिक घटक, दूसरा जो है सामाजिक घटक। क्योंकि ज़्यादातर जो है हम लोग पर्यावरण अध्ययन में जो है प्राकृतिक से रिलेटेड बातों को जानते हैं और सामाजिक से रिलेटेड बातों को जानते हैं, इसीलिए जो है इसका दो प्रमुख घटक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन जो होता है परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटक के अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। जो भी हमारे परिवेश में सामाजिक और जो भौतिक, जो सामाजिक मतलब जो समाज के द्वारा जो कार्य घटे और जो भी हमारे भौतिक जो हमारे वातावरण के द्वारा घटती है उसके अंतःक्रिया का जो है अध्ययन है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हम लोग पर्यावरण अध्ययन में जो है खासकर सामाजिक और जो हमारे प्राकृतिक है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बारे में जो है अध्ययन करते हैं। ये सब जो घटक है मिलकर हमारे संपूर्ण परिवेश का जो है निर्माण करते हैं। ये दोनों जो घटक है वह मिलकर हमारे संपूर्ण परिवेश का जो है निर्माण करते हैं। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब हम अपने परिवेश तथा आसपास उपस्थित सभी सामाजिक और भौतिक जो घटक होते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, तब जाकर हमारा पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। मतलब अपने समाज के सामाजिक गुणों को या भौतिक घटक को जो आप समझने का प्रयास करते हैं अपने परिवेश में, अपने परिवेश कहने का अर्थ है कि जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास जो भी आपके पास सामाजिक है, जो ज्ञान हो या जो भी भौतिक घटक है, जो भी आसपास उपस्थित है उसको बारे में जो है जब आप समझने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में जब आप अध्ययन करना शुरू करते हैं, उसी को जो है पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। अब हम जो है पॉइंट वन के ऊपर बात करेंगे। पॉइंट वन में जो है आपको पढ़ना है प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में कि पर्यावरण अध्ययन का जो प्रकृति है उसका क्षेत्र है क्या है, इसके बारे में जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है पर्यावरण अध्ययन की जो है प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रकृति कहने का अर्थ है कि सामाजिक और जो भौतिक जो घटक होते हैं उसमें जो अंतःक्रिया हो जाता है, जो हमारे परिवेश के निर्माण में सहायता करती है, उसी को जो हम लोग प्रकृति कहते हैं। उसका महत्व भी कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के। तो पहला पॉइंट यहाँ है कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। वास्तव में यह घटक मिलकर ही हमारे संपूर्ण परिवेश का जो है निर्माण करते हैं। जब हमारे परिवेश में जो होते हैं बच्चों को या जो भी व्यक्ति है उसको जो है सामाजिक गुण और भौतिक घटकों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो जाती है, तब जाकर जो है हमारा संपूर्ण परिवेश का निर्माण होता है। क्योंकि यह जो है वास्तव में एक घटक जो होता है अंतःक्रिया है। मतलब जब आप सामाजिक गुणों को सीख लेंगे तो आपकी जो भौतिक गुण है, मतलब कहने का अर्थ है कि भौतिक गुण का मतलब कि अपने वातावरण में उपस्थित उन सभी चीज़ों के बारे में जान लेंगे, तब जाकर जो है एक परिवेश का निर्माण होता है। सामाजिक गुण का मतलब रीति रिवाज, रहन सहन, और जो आपका भौतिक घटक है उसमें हवा, पानी, पेड़ पौधे, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वही बात लिखा हुआ है, सामाजिक घटकों में संस्कृति, भाषा, मूल्य, दर्शन तथा भौतिक जो घटक होती है उसमें हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पशु पक्षी, खनिज आदि शामिल होते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन जो होता है इसमें खासकर जो होता है दो चीज़ों के ऊपर जिक्र किया जाता है। पहला जो होता है सामाजिक और दूसरा जो होता है भौतिक घटक। सामाजिक घटक कहने का अर्थ है कि इसमें जो होता है समाज के अंतर्गत रहकर जो आप समाज के संस्कृति को, सभ्यता को, भाषा, मूल्य, दर्शन जो है उसको सीखते हैं। लेकिन जो भौतिक घटक होता है जिसमें हवा आ जाता है, पानी, मिट्टी, धूप, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आते हैं, जब इन
दोनों घटकों को जानकारी आपका परिपूर्ण हो जाता है जब इसको सीख लेते हैं, तब जाकर जो होता है एक संपूर्ण परिवेश का निर्माण होता है, तब जाकर बच्चों में या जो भी व्यक्ति होते हैं उसमें जो होता है पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणा है, जो उसका महत्व है, जो उसका पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र का जो होता है विकसित होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, एग्जाम में भी जो है इस बात को गौर करेंगे, आप पॉइंट वाइज ही सारे आंसर को लिखेंगे तो सटीक होता है, पढ़ने वाले जो भी आपके मूल्यांकन टीचर होंगे वो आपको अच्छा समझेंगे और नंबर अच्छा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन में हम एक और तो मानव और दूसरे द्वारा निर्मित समाज एवं सामाजिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण अध्ययन जो होता है, हम एक और जो होते हैं मानव और इसके द्वारा जो निर्मित समाज है, जो इसकी सामाजिक क्रियाकलाप का अध्ययन जो है हम लोग करते हैं, वही दूसरे और जो होता है प्रकृति एवं उसकी कार्य प्रणाली के पीछे नियमों का अध्ययन करते हैं। मतलब पर्यावरण अध्ययन में मैंने आपको बताया कि दो घटक के ऊपर महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, पहला जो होता है सामाजिक और दूसरा जो होता है प्राकृतिक। जो हम लोग सामाजिक घटक होते हैं जिसमें हम लोग रीति रिवाज रहन सहन आदि के बारे में जानते हैं, तो यह जो होता है मानव और इसके द्वारा जो होता है निर्मित समाज एवं सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ दूसरे तरफ जो होता है प्राकृतिक, जो कि हम प्राकृतिक के जो है नियमों का अध्ययन करते हैं, यह जो होता है मुख्य पॉइंट है इसका प्रकृति में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति के अंतर्गत परिवेश के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव तथा परिवेश को समझने जाने वाले तरीकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति के अंतर्गत जो है इसका यह मतलब होता है कि आप परिवेश में जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ परिवेश को समझने की कोशिश करते हैं, और ये परिवेश को समझते हुए जो है उसके तरीकों का अध्ययन करते हुए जो खासकर हम लोग करते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन में जो होता है आपको जो है मानव द्वारा निर्मित जो होता है सामाजिक जो आपका क्रियाकलाप है उसका अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ जो प्राकृतिक जो क्रिया प्रणाली है उसका जो है नियम का जो है अध्ययन करते हैं। अब जो है हम आगे जानेंगे पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र की, पर्यावरण अध्ययन का जो क्षेत्र है वो कितना है, कितना व्यापक है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन कोई एक विषय क्षेत्र नहीं है। मैंने आपको क्षेत्र में ऊपर आपको बताया होगा था अवधारणा में, उसी में जो है अंतर्गत सभी पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन जो है कोई एक विषय क्षेत्र नहीं है, बल्कि विभिन्न विषयों क्षेत्रों का जो है एक समूह है जिसके अध्ययन हम लोग विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में करते हैं। क्या करते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान में करते हैं, आप मेरी बात समझ गए। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के चारों ओर के प्राकृतिक एवं सामाजिक घेरे में संपन्न होने वाले सभी प्रकार के क्रियाओं, परिवर्तनों, अंतःक्रियाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आधा है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, यह कहा जा सकता है कि मनुष्य जो चारों ओर जो प्राकृतिक है, जो उसके सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, जो उसके सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो संपूर्ण तरह से जो है उसको घेरे हुए हैं, इसी प्रकार की क्रियाओं में क्रियाकलापों करते हैं, जो भी परिवर्तनें होती है, जो अंतःक्रिया होती है, उसके प्रभावों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसी को जो है हम लोग पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं, उसी को जो है हम लोग पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र कह सकते हैं। अब देखेंगे आगे पर्यावरण अध्ययन का जो है क्षेत्र निम्नलिखित है, क्या क्षेत्र है, इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करना, इसका जो पहला मतलब इसका प्रकृति है, इसका प्रकृति में जो है पहला क्षेत्र जो है क्या है कि मानव एवं पर्यावरण के बीच जो है अंतर स्पष्ट करना, संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है, किसी भी देश के विकास में पर्यावरण का महत्व बड़ा योगदान होता है। किसी भी देश के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पर्यावरण जो होता है हमें सामाजिक के साथ ही साथ जो हमारे भौतिक जो घटना घटकों हैं उसके बारे में जानकारियाँ देती है, और हमारे आर्थिक जो भी हमारे भावी जीवन का निर्माण है उसके लिए बहुत सारा ज्ञान का जो है प्रदान करती है, इसीलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, यह वनस्पति एवं पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करता है तथा वनस्पति एवं जंतुओं के प्रकारों तथा उनकी सुरक्षा के बारे में अध्ययन करता है। यह क्या करता है कि वनस्पति जो भी होते हैं उसको पर्यावरण के साथ जो है संबंध स्थापित करता है तथा वनस्पति एवं जंतुओं के प्रकार तथा उसकी सुरक्षा के बारे में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसका प्रकृति है, इसका क्षेत्र है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संपदा एवं इसकी समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा, इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, बिजली एवं परिवहन शामिल है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी प्राकृतिक संपदा आती है उससे समस्याओं को संरक्षण एवं सुरक्षा देने में जो है हमें सहायता करती है, इसका यह क्षेत्र है।
अब जो है हम इसका आगे जानेंगे पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य के बारे में कि पर्यावरण अध्ययन का जो है उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि पहला यहाँ है मैंने इसके बारे में लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो होता है ऐसे समाज की रचना करना है जो प्रकृति और जीवों के अंतः संबंधों की सही जानकारी रखता है, साथ ही साथ अपने आचरण को प्राकृतिक नियमों के अनुसार समायोजित कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य यही है कि समाज की रचना, ऐसे समाज की रचना करना है जो कि प्राकृतिक और प्रकृति एवं जीवों के जो है अंतः संबंध का सही जानकारी रखे कि प्रकृति की सही जानकारी क्या है, उसके जीवों का संबंध जानकारी क्या है, और साथ ही साथ वो प्रकृति के साथ जो है संबंध अच्छा रखे और अपने आचरण को अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो है समायोजित करके प्रगति का मार्ग सशक्त बनाए। इसी का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरण का। मतलब साफ तौर पर कह दे कि पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि ऐसी समाज की रचना करे जो प्राकृतिक और जीवों के जो अंतः संबंध होते हैं उसकी सही जानकारी रखे। मतलब गलत निगेटिव थॉट ना रखे, पॉजिटिव थॉट रखे, और जो भी प्रकृति में जो रचनाएँ होती है, जो भी अंतः संबंध होते हैं, चाहे वो जीव का हो, प्रकृति का हो, पेड़ पौधे का हो, उसके बारे में जो है सही संबंध रखे, उसका महत्व को समझे, उसका उद्देश्य को समझे, उसका क्षेत्र का समझे। आगे नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे कि कर देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को जो है बचाने से है। जो पर्यावरण शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है इन सभी प्राकृतिक संसाधनों के जो है बचाने से उद्देश्य है। एक एक करके जान लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है पर्यावरणीय परिघटनाओं में प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पहलुओं का विकास करना। इसका जो मेन उद्देश्य वो क्या है कि जो पर्यावरणीय परिघटनाओं में जो है प्राकृतिक, भौगोलिक, जो सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पहलुओं का जो है विकास करना, लोगों में जो है प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भौगोलिक जो भी है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, चाहे प्राकृतिक है, उस पहलुओं को जो है आसानी से लोगों में जो है विकास कर पाए। नेक्स्ट है प्राकृतिक व्यक्ति एवं समाज के विभिन्न पहलुओं की संरचना और प्रक्रिया एवं उसके बीच के अंतर संबंधों को जानने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। मतलब व्यक्तियों में जो है समाज के विभिन्न पहलुओं की संरचना के बारे में, प्रकृति के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में, उसके बीच के संबंध के बारे में जो है जिज्ञासा उत्पन्न करना, समझने की जिज्ञासा करना प्रकृति के बारे में कि प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम प्रकृति से क्या पा सकते हैं, कैसे कैसे कार्य जो है हम प्रकृति से कर सकते हैं। नेक्स्ट है खोजी एवं करके सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना तथा अंधविश्वासों एवं प्रगति प्रवागंतों के प्रति सचेत रहना। मतलब कहने का अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से जो होता है हम लोग बच्चों में जो है खोजी विधि का प्रयोग जो है करके उसमें जो है विकसित कर सकते हैं, साथ ही साथ जो होता है सीखने की प्रवृत्ति का जो है उतना उत्पन्न कर सकते हैं। हम लोग पर्यावरण अध्ययन में जो है बहुत सारे जो है गतिविधि कराते हैं, देखते होंगे बच्चों के खोजी विधि भी कराते हैं कि आप घर जाकर इस तरह से जो है पर्यावरण में इस चीज़ के बारे में खोजेंगे तो बच्चे क्या होता है, खोजने से जो है बच्चों में तार्किक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, अगर ऐसा ना हो तो उनके सीखने की जो प्रकृति होता है नहीं उत्पन्न होगा। जब बच्चे को होमवर्क मिलता है कि घर पर जाकर आपको प्रकृति से जो है ये चीज की पेड़ जो है ढूंढ कर लाना है तो बच्चे में जो है खोजी विधि की जो विकास होता है वो वृद्धि होता है, साथ ही साथ बच्चों में जो है सीखने की प्रवृत्ति जो होता है उत्पन्न होता है, अगर यह ना हो तो उसको जो है प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय समस्याओं एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। मतलब कि व्यक्तियों को, बच्चों को जो है पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताना, उसके पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जो है संवेदनशील करना कि आपको जो है कहीं भी पर्यावरण से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई परेशानी दिखे तो उसके प्रति आप आवाज़ उठाए, उसकी समस्याओं को हल करें, उसमें क्या कठिनाई हो उसको जाने, उसकी समस्याओं को दूर करें, तभी जाकर जो है आप एक सही व्यक्ति, एक सही जो पर्यावरणीय समस्याओं को या संरक्षण करने में जो संवेदनशील होता है वो बन सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र एवं विश्व स्तर के मुद्दों का व्यापक संदर्भ में समझने की योग्यता विकसित करना। जो व्यक्ति, परिवार है, समुदाय है, राष्ट्र है या विश्व स्तर के जो मुद्दे होते हैं व्यापक संदर्भ में उसको समझने की जो है योग्यता को जो है प्रकाशित करता है यह पर्यावरण अध्ययन, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के जो है अंतर्गत हम लोग जो है केवल प्रकृति के बारे में नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के बारे में भी जो है जानकारी लेते हैं, भूगोलों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है परिवार, समुदाय, राष्ट्र एवं जो विश्व स्तर के मुद्दे हैं उसके ऊपर जो है आपको समझने की योग्यता का विकास हो सकता है, आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अब जो है इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है।
पर्यावरण अध्ययन का महत्व हमारे जीवन में क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व हमारे जीवन में अधिक है क्योंकि पर्यावरण शिक्षा से वर्तमान के साथ साथ भविष्य को सुंदर बना सकते हैं तथा जल वायु एवं भूमि को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर बच्चों में पर्यावरण अध्ययन की जानकारी हो जाती है तो बच्चों में तो सबसे पहले जो भी सामाजिक घटक है, जो भी प्राकृतिक घटक है, उसके बारे में जानकारी होगी। उसके बारे में जब जान लेंगे तो वो शिक्षा से जो है वर्तमान के साथ साथ जो है भविष्य को भी सुंदर बना सकते हैं और साथ ही साथ जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूमि को हो प्रभावित करती है, जो जल को प्रभावित करती है, वायु को प्रदूषित करती है, उससे बचने के लिए जो है वो सक्षम हो जाएंगे, उसके ज्ञान को जान जाएंगे। तो यही जो है इसका मुख्य महत्व है। अब जो है आगे जानते हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्व क्या है, वो निम्न है, इसके बारे में जो है एक एक करके जान लेते हैं। पहला पॉइंट यह है कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व में आप कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में जो होता है हम केवल एक विषय का अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि बहुत सारे विषयों का अध्ययन करते हैं जिसके माध्यम से जो होता है हम लोगों को जो प्राकृतिक घटक है, जो हमारे सामाजिक घटक है, उसका निर्माण होता है ताकि हम अपने भावी जीवन का जो है निर्माण अच्छे से कर पाएँ, अपने समाज के सभ्यता का संस्कृति के बारे में जान पाएँ, साथ ही साथ अपने पर्यावरण के सभी चीज़ों के बारे में समझ जाए, उसके महत्व को समझ जाए। पहला पॉइंट ये हो सकता है। सेकेंड पॉइंट मैंने यही पहले पॉइंट के तौर पर लिख लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन से मानव अनेक जो त्रासदियाँ होती है उसे रक्षा कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं को कम कर सकते हैं। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में बच्चों को जब जानकारी हो जाएगी, जब व्यक्तियों को जानकारी हो जाएगी, तो इसका यही महत्व है कि वो बहुत सारे जो त्रासदी आते हैं, जो भी भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, जो तबाही आते हैं, उससे जो है वो रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है उसे कम करने का प्रयास भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी देश के विकास में जो होता है पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से जो होता है हमें दो पहलुओं का मतलब विकास होता है। पहला जो है प्राकृतिक घटक, दूसरा जो है सामाजिक घटक, जिसके तहत जो है पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हमें पर्यावरण देता है, जिससे हमारा आर्थिक, हमारा बौद्धिक, नैतिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन मानव को विभिन्न विभिन्न पर्यावरणीय दर्शनाओं से अवगत कराता है ताकि पर्यावरण के प्रति सूक्ष्म का विकास हो सके। पर्यावरण अध्ययन का जो है मानव को जो है विभिन्न विभिन्न पर्यावरणीय दर्शाओं से अवगत कराता है ताकि पर्यावरण के प्रति जो है सूक्ष्म एवं विकास हो सके। नेक्स्ट जानते हैं, तो नेक्स्ट जो विशेषता है क्या है, उसका महत्व क्या है जान लेते हैं। इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके अध्ययन से बच्चों गहनता से सोचने एवं सीखने देते हैं तथा अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। मतलब कि जब बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी आ जाती है तो बहुत गहनता से जो है किसी चीज़ को सीखते हैं, सोचते हैं तथा अनुभवों का जो है विश्लेषण करना सीख जाते हैं। इसीलिए जो है बच्चों को भी जो है पर्यावरण अध्ययन की जानकारी जो है प्राथमिक विद्यालय में देनी चाहिए, चाहे प्राथमिक कक्षाओं में भी देनी चाहिए और बहुत सारी खोजी बीजी, बहुत सारी गतिविधि कराकर जो है उनको आसानी से जो है पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि उसके भावी जीवन के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान है, काफ़ी ज़्यादा सहयोगफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक है, क्योंकि यह करने से जो है सीखने पर बल देता है। जब आप बच्चों को जो है पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से जो है किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो अधिगम प्रक्रिया को जो है बहुत ही आसान कर देता है, बहुत ही जो है सुविधाजनक कर देता है और सहायक भी करता है, क्योंकि इसे समझने में जो है बच्चे काफ़ी आनंददायी लेते हैं, क्योंकि इसमें गतिविधि कराकर जो है बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह जो है सबसे सीखने पर जो है ज़्यादा बल देता है। इसमें बहुत सारे के कार्य करते हैं, गहन विधि हो या मतलब खोजी विधि हो, इससे जो है बच्चों के तार्किक विकास जो होता है, जो सोचने की क्षमता होता है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो होता है यह पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में जो होता है EVS जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, इसमें जो है सरल एवं सुविधाजनक तरीके से जो है हम अधिगम प्रक्रिया को दे सकते हैं, क्योंकि यह जो है सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य जो विशेषता है यह है कि बच्चों को जो है इस योग बनाया जा सके कि वह पर्यावरण संबंधित सभी मुद्दों को जो है जाने समझे और संबंधित समस्याओं को जो है हल करने में सक्षम हो जाए। इसका जो मेन महत्व है, जो इसका मेन उद्देश्य है, यही है कि बच्चों को जो है इसके विशेषताओं को बताएं ताकि बच्चे को जो है इसकी योग्यता बनी रहे और साथ ही साथ पर्यावरण संबंधित सभी मुद्दों को जो है जानने समझे और जब भी इसकी ज़रूरत पड़े, जब भी संबंधित जो इससे पर्यावरण संबंधित जो भी समस्याएं हो उसे जो है वो आसानी से हल कर पाए। यही जो है महत्वपूर्ण जो है आपकी महत्व है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।